चीन में कोरोना से हालात फिर बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहां 2020 के बाद से सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है। लगातार केस बढ़ने के चलते चीन के कई हिस्सों में मेडिकल संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में चीन की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बढ़ सकता है। पिछले 10 हफ्तों में चीन में 14,000 से अधिक केस सामने आए थे। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन को कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। चीन के कुछ हिस्सों में पहले से ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां के लोगों को टेस्ट के लिए महामारी से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चीन के सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जी आपको बता दें, चीन में कोरोना से सबसे प्रभावित जिले में अस्पतालों में क्वारंटीन करने के लिए जगह कम पड़ गई है। ऐसे में लोगों को क्वारंटीन करने के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि यहां कोरोना को रोकने के लिए उपलब्ध मेडिकल सप्लाई सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर चेन छेगमिन ने कहा कि अगले 2 हफ्ते में यह निर्धारित करने के लिए अहम है कि प्रतिबंध समेत उठाए जा रहे जो मौजूदा कदम क्या संक्रमण रोकने के लिए काफी है। क्या पिछले साल की तरह इस बार भी इन कदमों के बाद शहर में केस कम हो सकते हैं? चीन कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी अपनाता है। इसमें संक्रमितों की पहचान की जाती है, वहीं फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। और चीन में करीब 90% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी। चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि पर्याप्त बुजुर्गों को बूस्टर नहीं लगे हैं, जिससे संक्रमण और मौत का खतरा बना हुआ है। अभी यह भी साफ नहीं है कि चीनी वैक्सीन ओमिक्रॉन को रोकने के लिए कितनी कारगर है। चीन में कई शहरों में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में